चलिए जी, बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं। पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में बात की, फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविशन। और एक बात हमने जो की थी वो कि 3 1/2 अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैं 3 + 1/2 ऐसे लिख सकती हूँ। ये बात हमने की थी पिछली क्लास के अंदर, ठीक है जी। डिविजन ऑफ फ्रैक्शन करते हुए क्या करते हैं, न्यूमरेटर का फ्रैक्शन ऐसे ही रखते हैं और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका लाइक फ्रैक्शन होना जरूरी है। अगर लाइक नहीं है तो एलसीएम लेकर के दोनों के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम बना करके लाइक बनाते हैं और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इतना काम हमने किया था पिछली क्लास। किसी को कुछ पूछना है उसमें से तो बताओ। चलिए फिर, नहीं पूछना तो जो हमारे पास मॉड्यूल 3 था फ्रैक्शंस का, उसकी केस स्टडी अभी रहती है ना। निकाल लो फटाफट से मॉड्यूल 3 निकालो, फ्रैक्शंस वाला जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे उसके हमने एमसीक्यूज कर लिए थे, सिंप्लीफाई हो गया था, सेशन रीजन हो गया था, केस स्टडी रह गई। चलिए फटाफट से जरा हम केस स्टडी पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। रीटा हैज बॉट अ कारपेट ऑफ साइज, अच्छा साइज ही गायब हो गया इसका, एक सेकंड बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। बट हर रूम साइज इज 3 1/3 मीटर इंटू 5 1/3। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने की बजाय हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, एरिया ऑफ रूम। देखो जी, दो चीजें दे रखी हैं, एक कारपेट का साइज और एक रूम का साइज। कारपेट का साइज इसमें मिसिंग है, अभी नजर नहीं आ रहा है मुझे। आई विल टेल यू क्या है उसके डायमेंशंस। रूम का जो साइज है वो क्या साइज का दे रखा है आपको, 3 1/3 मीटर्स बाय 5 1/3। इसका मतलब अगर इस तरीके से दिया है रूम का साइज, इसका मतलब इसमें से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है जी। अब अगर मेरे पास रूम है मतलब रेक्टेंगल, और एरिया की बात करें तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ रूम कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ रूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये दो मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं, इनको मल्टीप्लाई करके मुझे मेरा आंसर निकालना है। देखो जरा कैसे निकालोगे। मैं टीचर मैम ही नहीं है आवाज की। हाँ जी बच्चों, लेंथ इसको जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, 3 1/3 की कन्वर्जन से क्या आएगा, 3 3 = 9 + 1 10/3 एंड दिस विल बी 5 3 = 15 + 1 16/3।
न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट, तो कुछ हो नहीं रहा, क्या बन गया 160 डिवाइड बाय 9। और आंसर जो दिया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, करो जरा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 160 को 9 से डिवाइड करेंगे फिर क्वेश्चन रिमाइंडर मिल जाएगा, तो मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। करो जल्दी से डिवाइड और देखो जरा क्या बनाओगे। 9 1 9, 9 7 हाँ तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने पर क्या आएगा मेरे पास, सेवेंटी क्वोशेंट आता है, होल पार्ट बन जाता है, रिमाइंडर और डिवाइजर नीचे चले जाता है, तो आंसर हुआ 17 7 बाय 9 मीटर स्क्वायर। ये मीटर और मीटर दो बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यूनिट हो गए मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का बी। देख लो एक बार दोबारा, मल्टीप्लाई करने के लिए मिक्स फ्रैक्शंस को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन करके न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। आंसर चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमने इसकी कन्वर्जन करके बना दिया 17 7 बाय 9। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो करना है, कारपेट का साइज वो लिख लो। कारपेट का जो साइज दिया है दैट इज 4 मीटर बाय 6, 2 बाय 3 मीटर, 4 मीटर बाय 6, 2 बाय 3 मीटर, नोट इट डाउन। और फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ कारपेट पूछा गया है, इसमें भी ये लेंथ और ब्रेथ है, तो एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना। एक तो होल नंबर है, दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें, 60 18 प्लस 2 20 बाय 3, तो ये हाँ क्या आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बाय 3। आंसर मिक्स फ्रैक्शन में, जल्दी से कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में, देखें जरा कैसे करते हो, 80 बाय 3 कन्वर्टेड इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, जल्दी से। शाबाश, जल्दी जल्दी डिवीजन करेंगे, 80 को 30 से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट विल गिव मी द होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर रिमाइंडर होगा, डिनोमिनेटर डिवाइजर होगा। जल्दी से करो डिवाइड 80 को 3 से, क्या आंसर आ रहा है बोलो। 26 2 बाय 3, 80 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 6 2 3 6 18, 2 इज द रिमाइंडर, सो दिस इज 26 2 बाय 3 व्हेन रिटन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सी बार। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ रूम एंड द कारपेट। अब सबसे पहले बताओ, जो हमने कारपेट का एरिया निकाला वो तो ये है, और रूम का एरिया कितना निकाला था हमने, रूम का एरिया निकाला था 17 7 बाय 9, ठीक है जी, ये रूम का एरिया और ये कारपेट का एरिया। अब पहले मुझे ये बताओ किसका एरिया ज्यादा है, कारपेट का एरिया ज्यादा है कि रूम का एरिया ज्यादा है, कारपेट कारपेट का एरिया, क्योंकि ये इसका होल पार्ट 26 है, इसका होल पार्ट 17 है, इसका मतलब जो कारपेट का एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू रूम का एरिया। और अब मुझे क्या कहा गया, डिफरेंस बताओ एरियाज का, इसका मतलब क्या करना है, मुझे ऐड करना है एरियाज को, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, क्या करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े वाले नंबर को छोटे में से, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन सा है, इसमें से इसको माइनस करना है,
करो जरा, कैसे करोगे देखो क्या करते हो। चलिए चलिए शाबाश शाबाश, देखिए कैसे करोगे। हाँ जी, ये हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शन में पड़ा है, इम्प्रॉपर में। कारपेट का एरिया माइनस रूम का एरिया, कितना निकाला था रूम का एरिया हमने? ये तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, वरदा भाई क्या था? 160/9। क्या बच्चों ये लाइक फ्रैक्शन है? नो नो। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? वेरी गुड, निकालो 3 और 9 का एलसीएम। नाइन एलसीएम आया 3 और 9 का 9। इसका मतलब अब यहां पर 3 पड़ा है, 9 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 240/9 माइनस 160/9। बोलो जी क्या आ गया? 80/9। लेकिन फिर से मुझे आंसर कैसे दिया हुआ है? निकाल में दो फिर फटाफट। एट्टी को 9 से डिवाइड करूं, 9 8 72, 8 रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 8 8/9 मीटर स्क्वायर। सो डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ रूम एंड द कारपेट इज 8 8/9। तो 3 चीजें हमने निकाल ली हैं। एक कारपेट का एरिया, कारपेट का एरिया हमारे पास आ रहा है 26 2/3, 80/3। रूम का एरिया हमारे पास आया 160/9, और जो डिफरेंस आया वो आया है 80/9। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से अगला क्वेश्चन समझना है। अगले क्वेश्चन में मुझे क्या कहा जा रहा है? एरिया ऑफ रूम इज 2/3 ऑफ एरिया ऑफ कारपेट, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ कारपेट, 2/5 ऑफ एरिया ऑफ कारपेट और 1/6 ऑफ एरिया ऑफ कारपेट। अब हमें ये तो मालूम है कि जो रूम का एरिया है वो कारपेट के एरिया से कम है, ठीक है जी। अब वो उसका कितना पार्ट है ये मुझे चेक करना। अब कोई बता सकता है क्या करना पड़ेगा? मेरे पास रूम का एरिया भी पड़ा है और मेरे पास कारपेट का एरिया भी पड़ा है। मुझे बताना है कि जो रूम का एरिया है और जो कारपेट का एरिया, इन दोनों में किस फ्रैक्शन का रिलेशन है, कितने टाइम्स है एरिया ऑफ रूम एरिया ऑफ कार। कुछ समझ में आता है किसी को? क्या करूं? देखो बच्चों, क्या मैं यहां पर
निकाल दूं एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ किसका, क्या मुझे का आंसर मिलेगा? एरिया देखो मुझे कहा गया एरिया ऑफ रूम इज से ए बाय बी टाइम्स एरिया ऑफ कारपेट, इस फॉर्म में मुझे आंसर दिए। इसका मतलब ये निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, इसको नीचे ले आऊं एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ कारपेट, तो मुझे आंसर मिल पाना चाहिए। ये बात समझ में आई है सबको कि नहीं? तो फिर देखो एरिया ऑफ रूम क्या निकाल रखा है हमने, 160 बाय 9, और कारपेट का एरिया है 80 बाय 3। अब लगाओ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन और देखो जरा क्या फ्रैक्शन बनाए। देखो जी ये है हमारे पास 160 बाय 9, ऊपर का फ्रैक्शन ऐसे ही रखा, डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से डिविजन, 3 3 जा 9, ये कैंसल, 8 2 जा 16, तो क्या आ गया 2 बाय 3 आ गया। ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को क्या किया, तो क्या अब मैं यहां से लिख दूं एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ कारपेट इज 2 बाय 3, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ कारपेट इज 2 बाय 3, तो एरिया ऑफ रूम क्या हो गया 2 बाय 3 ऑफ एरिया ऑफ कारपेट हो गया। हाँ जी क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं। तो कौन सा आंसर बनेगा मेरा फोर्थ क्वेश्चन का? ए पार्ट। सिंपल आप यहाँ पे समझो कि हमें क्या कहा गया था, मुझे रूम के और कारपेट के एरियाज की रेशियो पूछी, ठीक है जी। एरिया ऑफ रूम एरिया ऑफ कारपेट से कितना का कितना फ्रैक्शन है, ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, या आप ऑप्शन से चल सकते थे 2 बाय 3 ऑफ एरिया ऑफ कारपेट, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब, अच्छा तो हमारे पास जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है 2 बाय 3 ऑफ एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया मैंने क्या निकाला 80 बाय 3, तो 160 बाय 9 आ गया, ये एरिया ऑफ रूम के बराबर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। मतलब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास, एक हमारे पास एरिया ऑफ रूम भी पता है एरिया ऑफ कारपेट भी पता है, मैं दोनों का रेशो निकाल दूं, दोनों का रेशो बन गया, रेशो तो पता है आप लोगों ने पढ़ रखी है 6th क्लास में, दोनों का रेशो निकाला तो आंसर बना 2 बाय 3, तो यहाँ से क्या आ गया एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू 2 बाय 3 टाइम्स, ये अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर शिफ्ट कर दूं तो 2 बाय 3 टाइम्स एरिया ऑफ कारपेट, या आप ऑप्शन से चलते हैं, आपको ऑफ का मतलब पता है तो हम क्या करते हैं 2 बाय 3 ऑफ एरिया ऑफ रूम इज गिविंग मी, ऑफ कारपेट इज गिविंग मी दी एरिया ऑफ रूम, ठीक है जी। दोनों तरीके से चल सकते हो, जो आपको बेटर समझ में आता है उससे आप। तो इस क्वेश्चन में हमें रेशियो कैलकुलेट करनी थी, या फिर हम ऑफ के कॉन्सेप्ट से जाते, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ कारपेट गिव्स अस दी एरिया ऑफ रूफ, इज इट ओके? हाँ ना कुछ तो बोल दो। चलिए जी फिर अभी हम फ्रैक्शंस के सेकेंड मॉड्यूल पर जा रहे हैं, और सबसे पहले हम करेंगे असर्शन रीजन, मॉड्यूल 4 असर्शन रीजन। हाँ जी पहला असर्शन रीजन है द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब और इसका न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर,
अगर मैं दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन ईच फ्रैक्शन। देखो जी, एग्जाम्पल भी दिया है, 1/3, 1/4, ये दोनों कैसे हैं, प्रॉपर के इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दिया, तो आंसर आया 1/12। अब आपने बताना है कि 1/12 इन दोनों से बड़ा है या छोटा है। बड़ा छोटा फ्रैक्शन में सिक्स क्लास में किया करते थे, कुछ याद है कैसे करते थे? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को कैसे लगाया करते थे, याद है किसी को? ऐसे भी हो रहा है और यस भी हो रहा है। सबसे पहला काम क्या करते थे? अब यहां पर मुझे क्या चेक करना है, मुझे 1/3, 1/4 और 1/12 का कंपैरिजन करना, कौन बड़ा कौन छोटा। हाँ जी, 7th A से एक हाथ खड़ा है, सेकंड बेंच पे आ जाओ बेटा, माइक के पास आओ और बताओ मुझे कैसे। ये आप लोग किया करते थे 6th क्लास में। हाँ बोलो जी। ठीक है जी, सबसे पहले फिर से वही बात, मैं जब कंपैरिजन करती हूँ तो लाइक फ्रैक्शंस का ही कंपैरिजन होता है, जैसे लाइक ही ऐड होते हैं, लाइक का ही कंपैरिजन होता है। तो लाइक करने के लिए हमें एक ही काम आता है, एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4 और 12 का एलसीएम जल्दी से निकाल दो, चलो शाबाश, जाओ अपनी सीट पे, 3, 4 और 12 का एलसीएम निकालो फटाफट से। ट्राई टू फाइंड एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 12। हाँ जी, 12, 3, 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। हमारे पास सबसे पहले दो कॉमन आ रहा है, 3 2 2 2 4 एंड 2 6 12। फिर 3 ले लूं तो 1 2 एंड 2, फिर 2 कॉमन फैक्टर 1 1 1, 3 2 6 2 12। चलिए जी, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने एलसीएम निकाला, 12 आ गया है। अब अगला स्टेप कौन बताएगा मुझे, 7th B से कौन बताएगा कंपैरिजन करने के लिए आगे क्या करना है मुझे? आ जाओ जी, दैट गर्ल हु हैज रेज हिज हैंड, सेकंड बेंच, आ जाओ बेटा आगे। मैम, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई जो डेसिमल के साइड पे नंबर्स आ ठीक है जी, अब हमें एलसीएम। इनके डिनोमिनेटर्स को 12 ही बनाना है, एलसीएम 12 है, इसको ऑलरेडी 12 है, इन दोनों को 12 बनाना है। तो इसको किससे मैम मल्टीप्लाई, यस, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? मैम 4 जा। और यहाँ पर 3 जा, तो 1 हुआ 4/12, 1 हुआ 3/12 और 1 हुआ 1/12। वेरी गुड। सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या किया, जाइए सीट पर जाइए। जिन जिन फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना था उनके डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सबके डिनोमिनेटर्स को बराबर। अब जब डिनोमिनेटर्स बराबर हैं, न्यूमरेटर 1 का 4 है, 1 का 3 है, 1 का 1 है, तो कौन सा सबसे बड़ा जिसका न्यूमरेटर बड़ा? तो मैं लिख, 4/12 इज ग्रेटर देन 3/12 एंड 3/12 इज ग्रेटर देन 1/12। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1/12 है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वो इससे भी छोटा है, और जो प्रोडक्ट है वो इससे भी, यही कहा जा रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन ईच फ्रैक्शन। जब हमने दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो इन दोनों से कैसा है, छोटा है। ये बात समझ में आई है सभी को? हाँ जी, आ गई सबको? चलिए, तो मेरा असर्शन तो हो गया ट्रू। अब चलते हैं रीजन पर। द प्रोडक्ट ऑफ टू इम प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द टू फ्रैक्शन।
अब ये करके बताएंगे मुझे जरा, एग्जाम्पल दिया उसी से देखो जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर दो प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं, क्या क्या, 5/2 इंटू 7/3, आंसर बन गया 35/6। तो मुझे किस किस को कंपेयर करना है, मुझे 5/2, 7/3 और 35/6 को अब कंपेयर करना है। ठीक है जी, यही काम करना है। तो देख लेंगे अब क्या होना चाहिए। अब अगर ये ट्रू है इसका मतलब 35/6 इससे भी बड़ा हो और इससे भी बड़ा हो, ये बात मुझे नहीं। करो जैसे पिछले किया अभी हमने कंपैरिजन, जल्दी जल्दी कर दो तो फटाफट। ट्रू देखो, जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 बनेगा, 2 3 और 6 का, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15/6, 14/6 एंड 35/6, तो ये सबसे बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, इसका मतलब ये भी हो गया ट्रू। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो आंसर बन गया बी। अब सिर्फ ये क्वेश्चन करके छोड़ नहीं देना, ये रिजल्ट याद रखना। जब भी आप दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे आंसर दोनों से छोटा कि बड़ा, छोटा। अगर दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया था हमने, 1/3 को 1/4 से आंसर आया 1/12, 1/12 ये 1/3 से भी छोटा है और 1/4 से भी छोटा है, जबकि दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा प्रोडक्ट आता है वो इन दोनों से कैसा होता है, बड़ा बड़ा। होता। ठीक है जी, ये बातें याद रहेंगी, याद रह जाएगा कि नहीं। चलो फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। लो जी, अब इसको इसमें कोई एग्जांपल दिए नहीं, हम अपने हिसाब से एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लेते हैं 1/3 है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मान लेते हैं हम 4/3, एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या आया 4/9। अब आपने क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये इसके कंपैरिजन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर के साथ कंपैरिजन करना है। आप निकाल के बताओ मुझे क्या कंपैरिजन बता, फिर देखते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब मुझे किस किस को कंपेयर करना है, मुझे 4/9 एंड 1/3 का कंपेरिजन करना है, 4/9 और 4/3 का कंपेरिजन करना है, बताना है कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा। शाबाश, जल्दी जल्दी कर दो। करो जल्दी से कंपैरिजन और देखें। प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, और जो प्रोडक्ट है वो कहा जा रहा है लेस देन द इम्प्रॉपर एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर। बताओ जी, 4/9 और 1/3 में कौन बड़ा, 4/9, अगर एक 4/9 ले रहे एक 1/3, तो दोनों का एलसीएम बनेगा 9, 9 का मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 4/9 एंड 3/9, इसका मतलब 4/9 बड़ा हो गया 1/3 से, और 4/9 और 4/3 का कंपैरिजन करोगे तो
इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बना 4/9 एंड 12/9, तो सकता है। इसका मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसा है? लेटर और इम्प्रॉपर से कैसा है? नॉन लेसर। तो जो स्टेटमेंट बोली गई क्या सही बोली गई है? लेस देन इम्प्रॉपर प्रोडक्ट इज लेस देन इम्प्रॉपर बट ग्रेटर देन प्रॉपर। तो आंसर क्या हुआ? असर्शन कैसा हुआ? टू हुआ कि फॉल्स हुआ? आप खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हो। देखो जरा, ये आपका है प्रोडक्ट और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इससे बड़ा है। प्रोडक्ट बड़ा है। हाँ, क्या क्वेश्चन? हाँ, तो प्रोडक्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन दी प्रॉपर फ्रैक्शन, यही कहा गया था मैंने, और प्रोडक्ट लेस देन इम्प्रॉपर, यही बात तो कही जा रही है। इसका मतलब जो असर्शन है वो क्या हो गया? जो मेरा आंसर आया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा आया है, इम्प्रॉपर से छोटा आया है, यही बात मुझे कही जा रही है। तो असर्शन कैसा है? ट्रू। अब रीजन की बात करते हैं। व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ होल नंबर, अगर एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लेते हैं मेरा फ्रैक्शन है, हाँ, होल नंबर है 2, तो आंसर क्या बनेगा? 1, ठीक है ना, ये 2 और 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। क्या कहा मैंने? व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ होल नंबर इट्स वैल्यू डिक्रीजेस। पहले वैल्यू थी हाफ, होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब वैल्यू बन गई है 1, तो वैल्यू इसकी बड़ी है कि कम हुई है? बढ़ गई है, पहले 1/2 था, आधा था, अभी पूरा हो गया है, तो वैल्यू बड़ी कि कम हुई? बड़ी है, लेकिन ये क्या कह रहा है? डिक्रीज। इसका मतलब रीजन कैसा हो गया? फॉल्स। अगर असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, आंसर क्या हो जाता है? सी, दोबारा देख लो, हमें क्या कहा गया? जब किसी फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि हम क्या देख रहे हैं, जब एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैल्यू तो बढ़ गई, पहले हाफ था, अब 1 बन गया, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मुझे कहा गया डिक्रीज, इसका मतलब गलत हो गया, गलत हो गया तो आंसर बन गया सी। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं? थोड़ी सी बातें समझने वाली हैं इनमें आज, असर्शन रीजन में। तीनों में से जो तीन ऐसा, चलो चौथा भी कर लेते हैं, फिर एक बार दोबारा पूछेंगे, कोई कोई दिक्कत होगी तो फिर हम उसे देख। हाँ जी, असर्शन है 3 डिवाइडेड बाय 1/2 इज 3/2, बताओ जी, इज इट ओके और नॉट? थ्री फॉल्स। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगी तो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में होता है उसके रेसिप्रोकल से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई आंसर होना चाहिए था थ्री, तो असर्शन हो गया है फॉल्स। अब रीजन की बात करते हैं। व्हाइल डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। यस, यहाँ पे जैसे हमने कहा 3 को 1/2 से डिवाइड करने का मतलब, बाय डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन।
इसका मतलब रीजन कैसा हो गया? ट्रू, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो आंसर क्या हो गया? अब जरा दोबारा देख लो एक बार ध्यान से, चारों असर्शन रीजन, और जिसमें दिक्कत है वो मुझे बता। शाबाश, जल्दी ध्यान से देखना। पहले तीन असर्शन रीजन थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बोलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जिसको जो दिक्कत है बताओ। सेवेंथ ए से लास्ट में एक हाथ खड़ा और एक इधर से सेकंड बेंच, दोनों को क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ। कौन सा बेटा, कौन सा? फिफ्थ। सिक्स का सिक्स का रीजन समझ नहीं है, ठीक है। सिक्स के रीजन के लिए देखो, जाओ हमें कहा गया जब एक फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन लिया मैंने 1/2, ठीक है, इसको एक होल नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या बना? 1। तो जिस फ्रैक्शन को मैंने होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब उसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर बढ़ गई है कि कम हो गई है? पहले क्या था ये? 1/2, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया? वन और 1/2 तो 1 से छोटा होता है। इसका यही मतलब जब मैंने इस फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू तो इंक्रीज हुई है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया था? डिक्रीज। तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? यस हाँ जी, जिसने पूछा था सेवेंथ ए पीछे वो बताए, समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आ गया? यस ठीक है जी। और और कितने कुछ पूछना था? एक और हाथ भी खड़ा था सेवेंथ ए से, बोलो बेटा। हाँ जी, उसी में, ठीक है ठीक है जी। चलिए जी, अब हम करते हैं केस स्टडी। इसमें केस स्टडी ही थोड़ा सा सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। रीमा रीड 1/5 पेजेस ऑफ अ बुक, इफ शी रीड फर्दर 40 पेजेस, शी वुड हैव रेड सेवन सेवन बाय 10 पेजेस ऑफ द बुक। पहले तो यही सारी चीज समझने की है, आगे के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, उसमें तो दिक्कत कोई खास है नहीं मेरे पास। रीमा रेड 1/5 पेजेस ऑफ अ बुक। तो अगर मैं पेजेस ऑफ बुक को एक्स ले लो, तो मुझे कहा गया रीमा ने कितने पेजेस पढ़े हैं? 1/5 पेजेस ऑफ अ बुक, मतलब अगर टोटल पेजेस ऑफ अ बुक एक्स हैं, हाँ जी, टोटल पेजेस ऑफ बुक्स अगर मैंने एक्स लिए, मुझे कहा गया 1/5 पेजेस पढ़े हैं, मतलब पेजेस ऑफ बुक अगर मैंने कहा होता हाफ ऑफ द पेजेस, तो 1/2 ऑफ एक्स होता, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूं, पेजेस रेड आर 1/5 ऑफ टोटल पेजेस। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल मल्टीप्लाई एक्स लिए, इसका मतलब कितने पड़े हैं? एक्स अपॉन 5। यहां तक सबको समझ में आता है? टोटल पेजेस हमने लिए एक्स, पेज जो पढ़ लिए हैं वो है 1/5 ऑफ द बुक, मतलब 1/5 ऑफ टोटल पेजेस पढ़ लिए हैं। ऑफ का मतलब इनटू, और टोटल पेजेस एक्स लिए तो एक्स बाय 5 पेजेस पढ़ लिए। अब इफ शी रेड फर्दर 40 पेजेस, 1/5 पेजेस तो पढ़ लिए, अब उसके बाद 40 और पढ़ ले,
इसका मतलब पहले कितने पढ़े, एक्स बाय फाइव, अब 40 और पढ़ लिए, तो 40 और इसमें ऐड करूंगी कि सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्या करूंगी? ऐड कर दिया। शी वुड हैव रेड 7/10 ऑफ पेजेस ऑफ द बुक। पहले कितने पढ़े थे, अच्छा उसके बाद 40 पेज और पढ़ लिए। अब ये दोनों मिल करके कितने हो गए हैं, 7/10 ऑफ टोटल पेजेस। ये बात समझ में आ रही है, पहले ये बताओ, पहले क्या किया, पहले 1/5 पेजेस पढ़े। 1/5 का मतलब है 1/5 ऑफ टोटल पेजेस, जो कि एक्स है तो एक्स बाय फाइव। इसके बाद 40 पेज और पढ़ेंगे, जब और पढ़ेंगे तो ऐड करना पड़ेगा। मान लो पहले 20 पढ़े थे, 40 और पढ़ लिए, तो टोटल कितने पढ़े, 60, उन दोनों को ऐड किया, तो ये एक्स बाय फाइव को और 40 जो और पढ़े वो इकट्ठे करती है। अब क्या कहा गया, अगर ऐसा करती है तो शी वुड हैव रेड 7/10 ऑफ टोटल पेजेस। अब 7/10 ऑफ टोटल पेजेस का मतलब है 7/10x। ये बात समझ में आती है? इसका मतलब ये क्या है, ये है 7/10x। सिंपल इक्वेशंस कर चुके हो आप लोग के नहीं? हैव यू डन सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर और नॉट हाँ डन? बस फिर तो ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो पहले इसको दोबारा समझते हैं, मुझे क्या कहा जाता है, पहले टोटल पेजेस कितने पढ़े हमने, टोटल पेजेस थे एक्स, पढ़े कितने, 1/5 ऑफ टोटल। 1/5 ऑफ टोटल का मतलब एक्स अपॉन फाइव। उसके बाद 40 पेजेस और पढ़ दिए, 40 और पढ़ दिए, तो इसमें 40 मिला दिए हमें। अब ये दोनों मिलकर के पहले पढ़े थे 1/5 ऑफ द बुक और 40 उसमें और ऐड कर दिया, तो अब टोटल कितने पढ़ लिए हैं, 7/10 ऑफ दी बुक। दिस इज इक्वल टू 7/10x। पहले यहां तक बताओ, जिस जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़े करो, नहीं वाले ज्यादा होंगे, आने वाले कम होंगे, तो जिस जिसको नहीं आया हाथ खड़ा करो, फटाफट, शाबाश, एक दूसरे को नहीं देखना, जिसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करो जल्दी से, 7th A 7th B बोथ, एक दूसरे की तरफ मत देखो। अगर आपको समझ नहीं आया तो मतलब नहीं आया, किसी को आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको समझ में आया, सबको आ गया समझ में? हाँ, 7th B, 7th B से हाथ खड़े हो रहे हैं, आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अब कौन सा स्टेप समझ नहीं आया वो बताओगे, आ जाओ जी, आ जाओ, ये फर्स्ट बेंच में जो लड़का बैठा है ये बताएगा क्या स्टेप समझ नहीं आया, 7th B। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ माइक के पास, कोई कोई आ जाओ। हाँ बताओ बेटा, पहली चीज हमने एज्यूम करी कि मेरे पास जो टोटल पेजेस हैं बुक में वो एक्स हैं, ये ठीक है। यस फिर मुझे कहा गया 1/5 ऑफ पेजेस उसने पढ़ लिए, तो 1/5 किसका बोलेंगे, टोटल पेजेस का, ठीक है जी। तो 1/5 ऑफ टोटल पेजेस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल पेजेस मैंने एक्स लिए, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू 1x, और नीचे 5 आ गया, एक्स बाय 5 आ गया। यहां तक बात ठीक है बेटा? यस चलिए फिर उसके बाद आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि उसने फर्दर कितने पढ़ लिए और 40 पेजेस और पढ़ लिए, ठीक है जी। अगर 40 पेजेस और पढ़ लिए, पहले कितने पढ़े थे, एक्स बाय फाइव, अब और कितने पढ़ लिए, 40, तो टोटल कितने पढ़ लेंगे, ये एक्स बाय फाइव प्लस 40। यहां तक बात समझ में आती है? चलो फिर आप बैठो पीछे से, सेकंड मिडिल रो में से सेकंड बेंच से लड़की आ रही थी वो बता दिया मुझे, यहां तक बात समझ में आ जाए बेटा, आ जाओ फटाफट, आ जाए, आ जाओ जल्दी से। हाँ बच्चे, यहां तक की बात समझ में आई पक्का? अभी भी देख लो, अगर यहां तक भी कोई दिक्कत है तो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। यस चलो ठीक है।
समझ में आ गया? चलो चलो सीट पर पहले एक बार कई बंटवारा देख लेते हैं। टोटल पेजेस एक्स, 1/5 ऑफ टोटल पेजेस पढ़ लिए हैं, तो 1/5 ऑफ को किया मल्टीप्लाई टोटल पेजेस एक्स, तो एक्स बाय फाइव। उसके बाद 40 और पढ़े तो टोटल पढ़ कितने पढ़ लिए, एक्स बाय फाइव प्लस 40। ये जो पढ़े हैं उसने, अब ये क्या कह दिया गया, अगर ऐसा उसने किया है तो शी वुड हैव रेड 7/10 पेजेस ऑफ द बुक। तो फिर से वही बात आ गई, 7/10 ऑफ द बुक मतलब ऑफ द टोटल पेजेस ऑफ द बुक्स। इसका मतलब ऑफ को फिर से मल्टीप्लाई टोटल पेजेस एक्स, तो 7 × x, 7x/10। इसको हम ऐसे लिख देते हैं मोर स्पेसिफिक, आई राइट इट एज 7/10 × x/1 वो 7x/10। तो अब मेरे पास यहां पर जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, दिस इज इक्वल टू 7/7x/10। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मैं अग्री, इसीलिए मैंने एमसीक्यू छोड़ दिए, एमसीक्यू आसान आसान थे वो आप कर सकते हो, इसीलिए मैंने असर्शन रीजन और केस स्टडी को भी पिक किया है। अब ये बता दो यहां तक, अब भी अगर किसी को दिक्कत है, ये जो इक्वेशन बन गई है यहां तक कोई बात अगर किसी को समझ नहीं आई है तो जल्दी से पूछिए। सबको समझ में आ गई है ये बात, 7B। आ जा बेटा आगे आ जा, जो बात समझ नहीं आई होगी, शाबाश जल्दी से आ जा। I have a doubt that we have to not to find the value of x. निकालना है, मैंने तो यहां तक पूछा, अभी तो एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, यही पूछा हाउ मेनी टोटल पेजेस आर देयर इन द बुक, यही क्वेश्चन है मेरा। एक्स तो निकालेंगे, मेरा पॉइंट ये है कि यहां तक समझ में आया, एक्स निकालने की बात तो कर रहे हैं अभी हम, करेंगे वो तो, क्या यहां तक समझ में आया है ये जो हमने इक्वेशन बनाई है? पक्का मैम यहाँ तक समझ में आ गया। यस ठीक है जी, जाओ सीट पर। मैं फिर से पूछ रही हूँ, 7A, 7B, एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द स्टेप प्लीज आस्क। मैं सारा एक बार वापस रिवाइज करवा रही हूँ, अभी भी अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो बताना। सबसे पहले मुझे क्या कहा गया कि रीमा ने 1/5 ऑफ बुक पढ़ ली, अब 1/5 ऑफ टोटल पेजेस पढ़ लिए, टोटल पेजेस पता नहीं थे तो मैंने मान लिया कितने हैं एक्स। 1/5 ऑफ टोटल पेजेस का मतलब है ऑफ को मल्टीप्लाई लिखा, टोटल पेजेस को एक्स लिखा, तो एक्स अपॉन फाइव। अब इतना पढ़ने के बाद उसने 40 पेजेस और पढ़ लिए, और पढ़ लिए तो पढ़े वालों ने 40 और ऐड कर दिए। अब कहा गया जब ये दो काम उसने कर लिए, अब जब देखा गया तो 7/10 ऑफ टोटल पेजेस पढ़ लिए, तो 7/10 ऑफ टोटल पेजेस का मतलब 7x/10। इसका मतलब ये जो दो मिलकर के पढ़े थे ये 7x/10 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उससे चलते हैं, और एक बार अगर एक्स आ गया तो बाकी सारा कुछ तो निकल ही जाएगा, उसमें से कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं। अब सिर्फ हमने समझना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। मेरे पास गिवन है एक्स अपॉन फाइव प्लस 14 इज इक्वल टू 17x/17, ऐसा 7x/10। अभी एक बार पिछला, चलो नोट मैं बाद में दिखा दूंगी, कर लेना, अभी पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो समझ। आप लोगों ने सिंपल इक्वेशन पढ़ लिया, मालूम है आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करते हो? देखो जी, ये जो x बाय फाइव और इधर भी x पढ़ा है, मैं क्या करती हूँ, मैं इस एक्स बाय फाइव को इस तरफ लेके जा रही हूँ। बताओ जी, इधर ये प्लस का था, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये सभी को पता है। अगर एक टर्म इक्वल टू साइन के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो
प्लस हो जाता है। अब क्या ये जैसे फ्रैक्शंस की बात होती है वैसा ही बन गया है? अब ये 7x/10 एंड -x/5 क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? नहीं है। सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे। बताओ जरा कैसे बनाओगे? एलसीएम एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम, टेन और फाइव का एलसीएम, टेन के 5, 10, 5 1 5 2, फिर 2 लिया तो 1 एंड 1, तो 5 into 2, 10 is the एलसीएम। अगर 10 एलसीएम है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या बन गया? 7x/10 -2x/10। अब आपको मालूम है जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो न्यूमरेटर सामने से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7x से 2x निकाल दूं तो क्या बन गया है? 5x/10। इसका मतलब मेरे पास आ गया 40 is equal to 5x/10। यहां से x निकालना है, क्या निकाल सकते हो? हाँ जी, ऐसे तो क्वेश्चन आपने करे ही हैं, व्हाट इज इक्वल टू 5x/10 सिंपल इक्वेशंस के अंदर, ये है कि नहीं? चलो वापस देखते हैं। 40 is equal to 7x/10, ये इधर शिफ्ट कर दिया -x/5, प्लस वाला इधर जाकर के माइनस हो जाता। अनलाइक फ्रैक्शंस थे, लाइक में बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा इस वाले फ्रैक्शन को, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ऊपर बन गया 7x-2x, 7x-2x is 5x। 7 में से 2 जाते हैं तो 5 बचता है, x साथ में चल ही रहा था, तो 5x/10 is equal to 40। अब ये 5 को 10 से कैंसिल कर दें तो 2, 40 is equal to x/2, एंड x निकालने के लिए क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चले गया 40 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 उधर से, जब इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 40 into 2 कितना हो गया? एटी इसका मतलब टोटल पेजेस कितने हो गए मेरे बुक में? अब एक बार दोबारा देख लो सारा कुछ। अरे भाई लो जी, हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने कहा टोटल पेजेस एक्स, 1/5 पढ़ लिया तो x/5, 40 पेजेस और पढ़े तो +40, ये टोटल मिलकर के 7/10 ऑफ बुक पढ़ ली थी, तो 10/10x, ये मेरी इक्वेशन बन गई थी जो आप सबको समझ में आ गई थी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, इधर प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो लाइक बनाने के लिए एलसीएम लिया, 5 और 10 का एलसीएम आया 10, इसको 10 बनाना था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर माइनस हो गए, 7x-2x, 7 में से 2 जाते हैं तो 5 बचता है, साथ में x पड़ा ही है, सो 40 is equal to 5x/10 कैंसिल आउट किया तो 40 is equal to x/2, और x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स की वैल्यू हो गई 80। ठीक है जी, अब बताओ जरा पहले क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर देयर इन द बुक? फिर पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय रीमा, रीमा ने कितने पेजेस पढ़े हैं? सेवन एक्स 10 या x/5 + 40, एक ही बात है। बताओ जी, x की जगह मैंने क्या डाल दिया? 80। 80 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 80 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा?
करो फटाफट 80 को 5 से डिवाइड। 16 में 40 ऐड कर दूं कितना हो गया? 15। तो उसने कितने पेजेस पढ़ लिए हैं? 56। अब फोर्थ क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी पेजेस रीमा हैज नॉट रेड? टोटल थे 80, 80 में से 56 पढ़ लिए तो कितने नहीं पढ़े? 24 पेजेस उसने नहीं पढ़े। अब अगर मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ू तो क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेजेस आर लेफ्ट टू बी रेड बाय रीमा? हमें ये तो पता चल गया कि 24 पेजेस नहीं पढ़े हैं, अब फ्रैक्शन बताना है। तो कैसे बताओगे, जो नहीं पढ़े अपॉन में क्या, टोटल? तो कितने नहीं पढ़े? 24। टोटल कितने हैं? 80। तो क्या करना है, 24 डिवाइडेड बाय 80 कितना आ जाएगा? 24 को 80 से डिवाइड करके करो फटाफट, 24 डिवाइड बाय 80। शाबाश शाबाश, 24 डिवाइड बाय 80। बताओ जी क्या आंसर बना रहे हो? ट्वेंटी फोर और 80 एट से कैंसिल हो जाएंगे, 8 3 जा और 8 10 जा, तो 3/10। ठीक है जी, तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/10। पहले क्वेश्चन का आंसर है डी पार्ट 80, सेकेंड का आंसर है सी पार्ट 56, थर्ड का आंसर है वी 3/10 और फोर्थ का आंसर है ए 20। अब क्या इसमें समझ में नहीं आया वो जल्दी से बता दो, बस हमारी क्लास का टाइम भी हो गया है। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो बता। Have you understood? चलिए एक क्वेश्चन पूछना है सेवेंथ बी में से। हाँ बहुत अगर फटाफट आ जाओ, 2 मिनट लगा के पढ़ा। मैम इन थर्ड क्वेश्चन द आंसर विल बी 3/10 और 3/8। 3/10 बेटा, 24/80 करना है। मेरा ना पेन नहीं चुपकता। अगर आप 24/80 करोगे तो 24, 8 3 जा 24 एंड 8 10 जा 80, तो 3/10 बनेगा। मैम यस, ठीक ओके है मैम, ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, बाय 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 बाय। Bye, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।